हाय दोस्तों, क्लास 10th दोस्तों, मैथ्स में चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों प्रश्न बैंक का 16वां क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आना, तो 4 अंक पूरे आएंगे दोस्तों आपको इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 10A = 4/3, 10A = 4/3 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दिया है हमारे पास 10A, 10A क्या दिया है दोस्तों, गिवन क्या है हमारे पास 4/3। दोस्तों अब हम यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है 10 थीटा बराबर, आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो मैंने यहाँ पर ABC इनको नाम दिए भुजाओं को। दोस्तों ये हमारा लंब हो जाएगा हाइट, और ये आधार बेस। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ, तो 4 हमारा लंब और आधार मतलब 3 हो जाएगा, ये हाइट और ये बेस। तो दोस्तों हाइपोटेनियस निकालना है तो PGT से निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं यहाँ पर बाय PGT। तो दोस्तों यहाँ पर PGT से होगा दोस्तों, तो PGT आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB का स्क्वायर, और प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ पर AB बराबर दिया है हमारे पास 3, और BC बराबर हमें पता है 4 है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर AC ऐसा ही लिख देंगे हम, AB बराबर हमें पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद BC दोस्तों हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसके बाद AC ऐसा ही, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब दोस्तों यहाँ से AC से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और इसके बाद दोस्तों हमारा AC बराबर 5। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण निकल के आ गया हमारा हाइपोटेनियस 5। दोस्तों इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर साइन ए बराबर, साइन ए का मान ज्ञात करना था। तो हमारा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 4/5। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ से इसके द्वारा हमारा साइन ए बराबर 4/5 हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। विश यू ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए, थैंक यू।